एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, फिजिकल कैसे होगा, कहाँ होगा आपका फिजिकल, कहाँ होगा, खूब सवाल आ रहे हैं ना मन में। परेशान मत होइए, बस 10 दिन रुकिए, आपका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, हो भी जाएगा और आप फेल भी हो जाएंगे। बुरा मत मानिएगा जो मैं बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं बता दूं यार, थोड़ा सा धैर्य रखने वाली बात है। आपका पेपर निकला है ना, 1 महीने के भीतर आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और आपके फिजिकल स्टार्ट भी हो जाएंगे। मेरा तो 15 दिन बाद ही हो गया था फिजिकल स्टार्ट, और दूसरे दिन ही लगा हुआ था फिजिकल मेरा। आपको भी पता है लगभग 15-20 दिन 1 महीने तक चलता रहता है फिजिकल अलग अलग सेंटरों पर। एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप किस स्टेट के किस जिले से हैं, मैं निश्चित है आपका फिजिकल का सेंटर क्लियर कर दूंगा कहाँ जाने वाला है, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड को लेके जो परेशान है वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिजिकल को लेके जो परेशान है वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा, SSC GD की वो कैंडिडेट जो फिजिकल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, टारगेट फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो साथियों, इनको ये नहीं है कि ग्राउंड मेंटेन करना है, ग्राउंड की सफाई करनी है, ग्राउंड पे बांस बल्ली गाड़ना, कुछ नहीं करना। ये लोग रोड पे एक मार्क लगा देंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक 2.5 किलोमीटर है, फिर वापसी में 2.5 किलोमीटर आना है इस तरीके से, या फिर कहीं कहीं 2.5 किलोमीटर का एक सर्किल, 2.5 किलोमीटर का एक सर्किल, जैसे बटालियन वगैरह में होते हैं वहाँ पे सिस्टम रहता है, जो चारों तरफ बिल्डिंग रहती है उनके बीच में से रोड गुजरी रहती है, वो भी 2.5 किलोमीटर लोग मेजर कर लेते हैं, वहाँ पे आपका सेंटर बना देंगे। क्या ही करना, 5 किलोमीटर रनिंग ही करवानी है। हाई चेस्ट तो किसी कोने में टेंट लगा के करवा लेते हैं, कोई कोई जिम्नोजियन हॉल होता है, कई कई हॉल बने होते हैं वहाँ पे करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वहाँ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए परेशान मत हो, बस 2-4 दिन रुकिए, निश्चित ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे आपके। बट आपकी तैयारी कितनी है एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपकी कितनी टाइमिंग आ रही है इस समय। और चेस्ट को लेकर जो ढिलवाई किए हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर 1 भी सेंटीमीटर चेस्ट कम हुआ तो पास हो पाना मुश्किल हो जाएगा। फर्जी के वेबसाइट के पीछे परेशान है कि एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करो, फर्जी के वीडियो के पीछे परेशान है कि एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करो। यही हाल था, पहली बार रिटर्न मेरे ही जमाने में हुआ था 2018 वाली भर्ती में, उसके पहले पहले फिजिकल हुआ करता था, ठीक है। पहली बार जब कभी रिटर्न एग्जाम पहले स्टेप में हुआ तो मेरी ही भर्ती थी उसमें, ठीक है। अच्छे अच्छे की हालत ख़राब हो गई, रनिंग नहीं निकाल पाए, 120-130 में 30 लोग भी मुश्किल हो जा रहे थे रनिंग निकाल पाना। तो धूप थी, अभी भी धूप चल ही रही है, आप देख ही रहे हैं। अगर सुबह रनिंग में जरा सा डिले हुआ, पहले ग्रुप में ना दौड़ा के दूसरे में दौड़ा गया, तो समझ लीजिए क्या ही हालत होने वाली है। अच्छे से तैयारी करिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, फर्जी के एडमिट कार्ड के पीछे मत भागिए, तैयारी करिए। दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।